मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो खुद क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना कि आप ही घर के सरबरा है जहीर भाई के बाद। जो इज्जत जहीर भाई को मिली है सारी जिंदगी, वो आपको मिलनी चाहिए। अब अबीर 16 साल का हूँ यार मैं, क्या चाहता हूँ मैं भी जिस तरह दोस्तों के साथ निकलता था, यार मेरा बचपन दबा हुआ है जिस तरह था। यार मुझे चाचू से कि मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत बाबा के जाने के बाद, लेकिन ऐसी जिंदगी अजाब बना दी उन्होंने मेरी। तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी देती है। तेरी आंखों की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करती है। काश तू मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती, मेरी जिंदगी ख्वाबों से हकीकत हो जाती। तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी देती है, तेरी आंखों की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करती है। काश तू मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती, मेरी जिंदगी ख्वाबों से हकीकत बन जाती। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है नी, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ऊंचा उड़ना चाहते, लेकिन तुम उस घर नुमा पिंजरे में एक परिंदे की तरह कैद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा आता है कि मैं इतना बेबस क्यों हूं। मैं बस तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूं कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी हर खुशी पूरी हो जाए। मैं तुम्हें उस तरह खुश देखना चाहता हूं जिस तरह मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। आपा क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? बड़े दिन बाद कॉल की आपने। हमें ये बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपा वो ज़रा कोशिश कीजिएगा अम्मा तक ये बात ना पहुँचे, गुस्सा होंगी मुझ पे। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जमशेद? बस ये समझे आपा कि किस्मत ने साथ दिया, वो थोड़े बहुत पैसे थे ना वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो माशाल्लाह वहाँ कुछ अच्छे पैसे बनने लगे। फिर दोस्तों ने मशवरा दिया ना तो वो एक आध जगह और इन्वेस्ट कर दिए तो अब वहाँ से भी माशाल्लाह प्रॉफिट आ रहा था। हम जानते हैं तुम्हें कौन मशवरे दे रहा है, ये सब समझ रहे हैं हम। क्या बात कर रही हैं आपा? जब तुम्हें दूसरे बिजनेस में फायदा हो रहा था जमशेद, तो तुमने हबीब के साथ पैसे क्यों लगाए? अरे कैसी बात कर रही हैं आपा, आपको तो खुश होना चाहिए कि हबीब भाई और मेरे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह पार्टनर हो गए हम दोनों, एक बराबर हो गए।
आपको अच्छा नहीं लग रहा कि हम दोनों का फायदा हो रहा है? मैं सब जानती हूँ ये किसका फायदा हो रहा है, ये कौन मशवरे दे रहा है, ये सब राहिला का सारा 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 खेल उसका है। वो नचा रही है मेरे शौहर को और उसकी बहन मेरे भाई को। सब समझ रही हूँ मैं, तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग अंधे हो गए हो, क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप बिल्कुल जाहिलों वाली बात करती हैं आप। ये किस तरह बात कर रहे हो जमशेद हमसे? और किस तरह बात करूं आपा? आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपना फायदा अपना नुकसान, बाकी लोग जाएं भाड़ में। ये तुम्हारी जबान नहीं है, तुमने हमसे कभी इस तरह बात नहीं की जमशेद, तुम सब तुम्हारी साली की जबान। तुम अपनी बहन से इस तरह बात कर रहे हो? सच बोलूं आपा, आज ना मुझे हबीब भाई से बहुत हमदर्दी हो रही है, आज पता चला उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। जमशेद हम तुम्हारी बहन हैं, तुम भूल गए हम तुम्हारी बहन हैं जमशेद। आज तक हमसे इस तरह बात नहीं की, इतना बड़ा ताना, इतनी बड़ी बात। बहन है तुम्हारी। अरे आपसे तो बात करने ही फसूल है यार। जमशेद या अल्लाह, अम्मा हमें क्यों बुलाया? क्या बात है अबीब, किस लिए तुमने सबको जमा किया यहाँ पे? हाँ माँ, सब आ जाएं तो फिर मैं बात करूँ। क्या बात? हाँ हबीब, क्या बात है, खैरियत तो है? जी सब खैरियत है भाभी। मुझे पता है जहीर भाई के इंतकाल के बाद आप ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं, मगर बात ज़रूरी थी इसलिए बुलाया। हबीब बता बच्चे को क्या बात है, हम खा उसको बाहर सुखा रहे हो हमें अंदर। देखिए आप सबको पता है कि कारोबार की क्या हालत थी, कुछ दिन पहले बंद होने वाला था कारोबार, हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टर हमें मिल नहीं रहा था, है ना? मगर अब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, इस कारोबार को मैंने बचा लिया। लेकिन ये बातें तुम इस वक्त क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाभी सब जानना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर मैं लाया हूँ वो कौन है, इसलिए। हाँ हाँ बताओ ज़रा कौन है इन्वेस्टर, हमें भी तो पता होना चाहिए। वो इन्वेस्टर जमशेद है, मेरा साला। ये क्या कह रहे हो अभी, तुम्हारा साला वो इन्वेस्टर है? जी जी, वो अब इस कारोबार में हिस्सेदार है, उसने इन्वेस्ट किया है, 20% उसका हिस्सा है। हबीब तू अपने साले को हिस्सेदार बनाने की क्या जरूरत थी आखिर, तू सर पर चढ़ा रहा है उसको इतना। ये फैसला तुम खुद कैसे कर सकते हो हबीब? किसी को भी हिस्सेदार बनाने से पहले तुम्हें कम अज कम उससे तो पूछ लेना चाहिए जिसका ये सारा बिजनेस है, यानी मैं और फाखिर। कहीं तुम इस गलत फहमी में मुब्तला तो नहीं हो कि ये तुम्हारा बिजनेस है और तुम कोई भी फैसला कर सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो हबीब, जहीर के बाद मैं और फाखिर ये फैसला करेंगे कि इस कारोबार का, इस बिजनेस का कौन हिस्सा बनेगा और कौन नहीं। मैं जो इन्वेस्टर लेके आया था चाचू, वो सिर्फ 10% मांग रहा था। चाचू क्या हमारे बिजनेस पे जो है बाकी लोग
आप प्लीज उनको उनके पैसे वापसी कर दें, और ये हमारा फैमिली बिजनेस है, आप किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे कैसे? सुन लिया तुमने, ये है हमारा फैसला। जिसका पैसा आप वापस करने की बात कर रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं देता तो बैंक जब्त कर चुका होता ये कारोबार, ताला पड़ जाता इस कारोबार को, कोई नाम लेने वाला नहीं होता इसका। अरे अभी जरूरी तो नहीं था कि बैंक सब कुछ एक वक्त में ही जब्त कर लेता भाई, हम उनसे थोड़ा वक्त ले सकते थे ना। नहीं, बैंक और कोई वक्त नहीं देता, जितना वक्त दिया था बैंक ने दे दिया। हाँ, लेकिन जो भी था हम कोई रास्ता निकाल लेते, कम से कम कोई हिस्सेदार तो ना बनता कारोबार में। बिल्कुल, आप वो मीटिंग कर लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते फिर हम। हबीब तुम्हें क्या लगा कि जहीर के जाने के बाद तुम सियासफेद के मालिक हो? हमसे मशवरा तो करते, इतना तो हक था हमारा कि हम सब मिलके कोई फैसला कर लेते, कोई हल निकाल लेते। हबीब, समीना बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें घर वालों से मशवरा तो करना चाहिए था ये फैसला करने से पहले। इसीलिए तो भाई साहब ने कभी अपने कारोबार के मामलात में तुम्हें शामिल नहीं किया, क्योंकि तुमने उन्हें हमेशा नुकसान ही तो पहुंचाया। हो गई बात, अब मैं कर लूं अपनी बात, बजाय इसके कि आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करें, मेरे सर पर चढ़कर बैठ गए सारे, बोले जा रहे हैं। मैंने जमशेद को जबान दे दी, उसने इतनी बड़ी रकम बिना कुछ सवाल के मेरे हाथ में लाकर रख दी, कोई पेपर वर्क, और पेपर वर्क का टाइम कहाँ था, बगैर पेपर वर्क के इतनी बड़ी रकम मुझे दे दी उसने। उसने मुझ पर भरोसा किया और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ये सुन ले सारे आप। और अगर भाई साहब होते ना तो वो भी यही फैसला करते। नहीं, आप लोग इससे ज़्यादा रकम लेकर आ सकते तो ले आए एक दिन में, मैं बैठा हूँ यहाँ पर देखता हूँ। मैं टट्टर टट्टर किए जा रहे हैं सारे के सारे। कैसे कर सकता है? ना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या मसला हो गया? अरे अब्बा मसला हुआ है मेरे लिए, अजाब बना दी यार मेरे लिए। एक तो मुझे घर से ऑफिस बुलाया बिजनेस संभालने के लिए, ऊपर से सारा काम दे दिया सर पे, और हेल्प ही नहीं कर रहे मेरी। वो मामू है ना, उनको बिजनेस पार्टनर बनाया मैं बेलवाजे का, नहीं चलाए जा रहे ऑफिस में। हाँ तो मुझ पर क्या रख रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे अब्बा ने जो कदम उठाया है ना, वो कुछ सोच समझ के उठाया होगा, या क्या पता कोई मजबूरी हो। मेरी बात सुनो, मेरे जमशेद मामा बहुत अच्छे। बड़े अच्छे है तुम्हारे मामा, एक नंबर की लालची इंसान हो तुम्हारे अब्बा कमंडी। मेरे अब्बा? हाँ, ये मैं भूलो कि मेरे अब्बा तुम्हारे चाचा भी है, तमीज से बात करो तुम। अच्छा, अगर नहीं करूंगा तो क्या कर लोगी बताओ? मैं तुम सबका मसला बताऊं क्या है? तुम सब पता नहीं अपने आपको क्या समझते हो, जब बड़े अब्बा के पास पैसे थे तब भी पता नहीं हम सबको क्या समझते थे तुम लोग। हाँ, सब पे घर में तुम लोग अपने हुक्म चलाते हो, तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम लोग जो एक नंबर के सेल्फिश, इतना एहसान किया हम लोगों ने तुम पे, आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने एहसानात गिनवाते हो तुम लोग और हर चीज जताते हो। अगर इंसान ना शुक्र हो ना तो उसको एहसान जता देने चाहिए। खुद को देखोगे, एक नंबर की सेल्फिश, घर में 10,000 मसले पड़े हैं यहाँ पे बैठ के। क्या दिखा रहे हो तुम, मुझे यहाँ से निकाल लूंगी मैं। नीचे आओ, खुद तो तुम कुछ कर नहीं सकते अपने लिए। तुम भी बड़ा कर सकते हो, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो आ जाती, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। जाओ यहाँ से, जाओ घूमो, जाओ यहाँ से। तमीज, यूजर, ट्राउजर कहाँ है मेरा? पीछे टंगा हुआ होगा, आंखें खोल के देखो। ट्राउजर कहाँ है? कहाँ थी मैं? अब रिमोट खराब कर दिया। तौलिया लाओ। तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं, खुद बाहर निकल के ले लो। अशोक, आप याम भाभी, तुम्हारा मक्कार चेहरा देखने के लिए आई। क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। तुम्हारी इस मासूमियत के पीछे जो साजिश है ना, जो तुमने जाल बिछाया है, मुझे ठीक तरीके से दिख रहा है। अपने भाई को तुमने साजिश में शामिल करके वैसे अच्छा नहीं किया भाभी। आप, मुझे तो लग रहा था आप खुश होंगी, तो बचा लिया जमशेद ने कारोबार को। बचा लिया? बचा नहीं लिया, फायदा उठाया है। सोची समझी साजिश है ये सारी, खूब जानती हूं मैं। मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये शुरुआत है, ये जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द इसमें जलकर राख हो जाओगी।
भाभी लग रहा है जल तो आप रही हैं कि कहीं हम आपकी बराबरी पर ना आ जाए। कुछ भी कर लो मेरी बराबरी तुम नहीं कर पाओगी, ये ख्वाब खाब ही रहेगा। भाभी बहुत गुरूर है ना आपको खुद पर, मुझे ये गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ गुरूर मान टूटेगा मेरा, तुम्हें बहन जो समझा मैंने अपनी छोटी बहन समझती रही हूँ मैं तुम्हें। देखिए तुम तो हस्तीन का सांप निकली जिसे डसता तो था ही। बस भाभी बहुत सुना लिया आपने मुझे, चली जाए आप यहां से। अभी तो मैं जा रही हूं लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारी ये साजिश में कामयाब नहीं हूं। भाभी का तो दिमाग खराब हो गया, कैसे बताऊं इनको साजिश में मेरा नहीं उस रॉयला का हाथ है, जिसको देखो मुझे ही सुनाया, मुझे ही बोलता है, नहीं सुननी मुझे किसी की बात। साजिश बिल्कुल साजिश बात है। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो, क्या पूछना है? आप ये पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी कुछ करते हैं, मेरा मतलब अपने फ्री टाइम में? तुम क्यों पूछ रही हो ये? ऐसे बताए ना यार, मेरे पास वैसे ज्यादा टाइम होता तो नहीं है, लेकिन जब टाइम होता है तो दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता हूँ कभी बस। वैसे बाहर जाना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? अरे नहीं नहीं ऐसे मत बताना, ये तो पीछे ही पड़ जाएगी। अरे वो परेशान नहीं हो आप, मम्मी की आदत है, वो ड्रामे में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। खैर आप बता रहे थे कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है जरा। वो यहाँ से लेफ्ट जाके राइट पे। मैं अभी आता हूँ। तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी देती है, तेरी आंखों की चमक मेरी ज़िंदगी को रोशन करती है, काश तू मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती, मेरी ज़िंदगी ख्वाबों से हकीकत बन जाती। ये लाइन जरूर हमजा ने मेरे लिए लिखी होगी। अच्छा तो भाई हम कहाँ थे? आप मुझे बता रहे थे कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। यार मेरी फेवरेट जगह सुन के तुम्हें अजीब ही लगेगा। नहीं नहीं मुझे अजीब नहीं लगेगा, पता है मुझे ना रोड साइड ढाबे बहुत पसंद है, मैं अक्सर वहां पे जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। आई नो है अजीब। नहीं नहीं बिल्कुल भी अजीब नहीं, मुझे भी ढाबों पे जाना बहुत पसंद है, मतलब लॉन्ग ड्राइव हो पर ढाबे पे जाओ खाना खाओ। अच्छा आप नहीं पूछेंगे कि मुझे क्या पसंद है? मैं खुद ही बता देती हूँ, मुझे शायरी करना बहुत पसंद है। आप लिखते हैं? बहुत बातें कर ली अभी हमने, अभी पढ़ाई का टाइम है, दो मुझे। Thank you.
तुम्हारे वहां होने से हबीब की यह गलतफहमी दूर हो जाएगी कि उसने हमें हरा दिया है या हमने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। इसी तरह उसकी गलतफहमी दूर होगी, उसे भी पता चले ना कि हम हारे नहीं, उसके आगे घुटने नहीं टेके हम। अम्मा उनकी बात क्यों मान रहे हैं हम? अपने फैसले लेने का तो हक हमें पूरा है ना, तो कोई गैर हमारे बिजनेस में क्यों आ रहा है? ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हालात बहुत खराब है। हबीब ने जो वक्त चुना है ना, वो बहुत नाजुक है, वो बहुत शातिर है, चालाक है। बिजनेस बहुत खराब हाल में है। अगर इस वक्त हम हबीब को कुछ कहते हैं तो कुछ सोचो, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करेंगे, कहाँ से लाएंगे? खुदा न खास्ता अगर बिजनेस बंद होता है तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। हबीब का क्या है, वो तो एक तरफ हो जाएगा, उसका तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान तो सिर्फ हमारा होगा। सुनो, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसके इस फैसले पर खामोश रह सकते हैं और वक्त का इंतजार कर सकते हैं। सही चला क्या चाचू, उन्होंने हमारा बुरा वक्त ही चुना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वो हमारे साथ ही करेंगे। अभी पे तो वो मिसाल पूरी आती है कि इंसान अपनों पे नहीं गैरों से उम्मीद लगा ले। यकीन ही नहीं आता मुझे, एक बात सीखी है मैंने, समझ ली है कि अगर आगे बढ़ना है ना, फिर किसी से भी उम्मीद ना लगाए इंसान, सिर्फ अपने पे यकीन करे बस। ठीक कह रही हूँ, चाचू ने तो बता दिया कि वो हमारे अफे नहीं, तब तो वो छुप कर हमारे खिलाफ थे, अब तो उसने महाज ही खड़ा कर लिया, सामने आ गया है, सामने से वार कर रहा है। चाचू इतना गिर जाएंगे, कभी सोच भी नहीं सकता था ये चीज। बाबा ने उनको शुरू से अपने दिल से लगा के रखा, इतना उनका किया, उनके हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे, लेकिन बाबा के जाने के बाद सब भूल गए वो। ये जो लालच है, उसने हबीब की आंखों पर पट्टी बांध ली, अब उसको कुछ नजर नहीं आ क्या रिश्ते, कौन से रिश्ते, कौन भाई, उसके अंदर से तो एहसास ही खत्म हो गया है। हम क्यों कर रहे हैं उनका एहसास हुआ? जहीर के जाने के बाद मुझे इस बात का अच्छे से एहसास हो गया कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करें ना, वो पलट के आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने सवाल उठाने शुरू किए और वही हबीब से बर्दाश्त नहीं कि मैं कौन होती हूँ सवाल करने वाली या कुछ भी पूछने वाली। उन्हें लगता क्या है कि हम कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते हम? हाँ, उसे यही लगता है कि जहीर के जाने के बाद मैं कमजोर हूँ, कुछ जानती नहीं, और तुम बच्चे हो, तुम्हें कारोबार के बारे में कुछ इल्म नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है वो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उसकी गलतफहमी का फ़ायदा उठाएं, समझदारी से काम लें। क्या लगता है आपको, क्या करूँ मैं? मुझे ये लगता है कि हमें बहुत समझदारी और अकलमंदी से काम लेना होगा। तुम रोज दफ्तर जाओ, तुम्हारी मौजूदगी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, सबको एहसास दिलाओ अपनी मौजूदगी का, अपने होने का, हर चीज़ पे नज़र रखो, काम को समझने की और सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे वहाँ होने से हबीब की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि उसने हमें हरा दिया है या हमने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। इसी तरह उसकी गलतफहमी दूर होगी, उसे भी पता चले ना कि हम हारे नहीं, उसके आगे घुटने नहीं टेके हमने। लेकिन ये काम मुश्किल है, आसान नहीं है।
अबीब ऐसा कर भी कैसे सकता है? और आप इस बात पर खामोश बैठी, अम्मा कुछ कह भी नहीं रही हैं। अरे हम क्या बोले, जो होना था वो तो हो गया ना। अम्मा अम्मा कहीं आप भी हबीब की तरफ तो नहीं हो गई हैं? वरना आप तो पहले बढ़ चढ़ कर आगे बोलती थी, आपको तो जैसे चुप लग गई है। हाँ मैं चुप लग गई है, तब से हमारे इस दुनिया से गया मैं चुप ही लग गई है। हमारे हाथ पाँव कट के रह गए, मोहताज हो गए तुम लोगों के। तुम लोग आके अपना हुक्म सुना देते और हम सुन लेते हैं, हमारी सुनता कौन है यार। अम्मा आप सिर्फ ये कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, आप अभी भी इस घर की बड़ी है, आपके आगे कोई नहीं बोल सकता। आपने खुद ही हबीब को बहुत डील दे रखी है, तभी तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ तो तुम लोग क्या चाहते हो हम क्या करें? बस आप हबीब को अपना फैसला सुना दे, वरना वो इसी तरह बाहर अपना बिजनेस बांट देगा। हाँ सायका ठीक कह रही है अम्मा जी, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, हबीब का रवैया अच्छा नहीं है फाकर के साथ। वो उसे आगे ही नहीं आने देता, ना मुझे कुछ बोलने देता है, सारे फैसले खुद ही कर रहा होता है, बिजनेस पर कब्जा ही करके बैठ गया है वो तो। अगर वक्त पर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो मुझे लगता है वो हमसे हमारा हिस्सा भी छीन लेगा। सुन रही हैं, देख रही हैं हबीब की चलाकियां। हम तो कहते हैं आप बस हबीब को हटा दो बिजनेस से, फराज साहब और फाखिर देख लेंगे। नहीं तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा वास्ता क्या इन सब बातों से है? भाई जहीर का बिजनेस था, हबीब ने संभाल लिया, दोनों भाई हैं, दोनों को हक बनता है, तुम्हारा क्या हक बनता है? ऐसे कैसे नहीं हक बनता? लिया क्या है आज तक हमने इस घर से? शादी के नाम पे जहेज दे दिया तो हक पूरा हो गया। इस घर की बेटी हैं हम, और जितना सबका हक बनता है ना उतना हमारा भी हक बनता है। तुम शायद ये बात भूल रही हो सायका, कि ये बिजनेस जहीर ने अपने दम पे खड़ा किया था, अपने दम पर। इसमें सिर्फ फाखिर और समीना का हक है, समझी ना? तो थोड़ा बहुत हबीब का भी, इसलिए कि जहीर ने उससे वादा किया था। वाह अम्मा, आपने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब आप जहीर भाई के वादे इतने ही पूरे कर रही हैं तो एक और वादा पूरा कर दें, हमें हमारा हक दिलवा दें, हम इस घर से चले जाएं। इतना सारा हंगामा हुआ घर पे तो फिर समीना भाभी ने क्या कहा? भाभी क्या कहेंगी, उन्हें बताया मेरे खिलाफ जाएंगी तो उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि फाखिर तो अभी बच्चा है, वो कारोबार संभाल नहीं सकता और ना वो खुद कुछ कर सकती हैं, कोई ना कोई तो चाहिए उन्हें कारोबार संभालने के लिए, इसलिए अभी वो खामोश होकर बैठ गई है। लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना, इस वक्त तो वह खामोश हो गई हैं, लेकिन ज़रूर वो मौके की तलाश में होंगी और फौरन बिजनेस के मामला को ना अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगी, कुछ ना कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, मैं जानता हूँ। मैंने तो कदम उठा लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। सायका और फराज भाई भी ज़रूर इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उन पे भी नजर रखना, ये मौका वो भी हाथ से जाने नहीं देंगे। सायका अभी कौन सा मौका हाथ से जाने दे रही है, फराज को घर के मामलात में घुसा लिया है उसने, वो हिस्से बंटवारे के चक्कर में बेवकूफों वाली हरकतें करती फिर रही है, और फराज लालच के चक्कर में अपनी इज्जत दिन ब दिन गिराया जा रहा है। भाई तुम दामाद हो, दामाद बनकर रहो। फराज भाई को तो रहने ही दो, वो तो सायका के इशारों पे चलते हैं, जैसा वो कहती है ना वो वैसा ही करते हैं। अरे सज्जाद है, अगर मैं इनसे कोई बात कर भी लूँ ना तो कहते हैं भाई घर के मामलों से मुझे तो दूर ही रखो। सज्जाद और फराज में बहुत फर्क है, सज्जाद एक समझदार इंसान है तभी तो घर के मामलों में नहीं बोलता। बस ऐसे ही है सज्जाद, और इसीलिए मैं भी घर के मामलों में ना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती, वो तो बस तुम्हारी वजह से मैं आ जाती हूँ सायका के बराबरी करने के लिए, वरना मैं तो उससे बात भी ना करूँ। फहमी इसलिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ कि तुम मुझे अच्छे मशवरे दे देती हो।
लेकिन सब बातें एक तरफ, एक बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। कौन सी बात? क्या जमशेद को कारोबार में हिस्सेदार बनाने का फैसला ठीक लगता है? शुरू में मुझे भी ठीक नहीं लगा था, पर तुम जानती हो कारोबार की क्या पोजीशन थी। वक्त हाथ से निकला जा रहा था, किसी इन्वेस्टर को ढूंढता तो उसमें महीनों लगते, इसलिए फिर मैंने कहा यही फैसला ठीक है। लेकिन वो तुम्हारा साला है और अब तो तुम्हारी दूसरी बीवी का बहनोई भी है। तुम्हारे कारोबार के हिसाब किताब की सारी खबरें तुम्हारी बीवी तक पहुंचाता रहेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें इतना यकीन है उस पर? भाई उसने सारे पैसे लाके मेरे हाथ में रख दिए थे, अब जब वो मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है, मैं भी तो उस पर इतना भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ मैं भी। फहमी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो भी फैसला लिया है ना, घर वालों ने मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया है। मुझे कोई चाहिए जो मेरी हिमायत करे। मेरा साथ दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या ठंडा लेके आऊं? मैं तो भूल ही गई तुमसे पूछना। मैं अब शरबत शरबत। हाँ मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो आराम से और बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मा ये क्या चल रहा है? अम्मा आपसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब दे मुझे। हाँ याकिन घर में क्या चल रहा है, अब्बा ने क्या किया है? वही जो नहीं करना चाहिए था। हाँ। फैसला कर लिया और सबको बता दिया, जमशेद मामा को बिजनेस में शामिल कर दिया। हाँ तो अम्मा, अब्बा ने जो भी किया है इसकी वजह से मुझे क्यों बातें सुनने को मिल रही हैं? तुम्हें किसने बातें सुनाई, वाकिम ने? जी, सारा अब्बा का गुस्सा आके उसने मुझ पे निकाल दिया। और अम्मा मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, ये कोई बात होती है? इस घर के मर्दों का यही, जब कुछ समझ में ना आए तो घर की औरतों पर सारा गुस्सा निकाल दो। हाँ लेकिन अम्मा मैं भी थोड़ी ना चुप रही, उसने मुझे सुनाया और मैंने उसको जवाब दिया, ठीक ठाक सुनाई, याद रखेगा वो। मैं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसको जवाब दे थी? अम्मा आप मुझे डांटेंगी नहीं कि मैंने आखिर को जवाब दिया? मैं क्यों डांटूँ? क्या आप हर वक्त मुझे यही तो कहती रहती हैं कि ज़्यादा बोला मत करो, जवाब मत दिया करो, चुप करके बैठा करो, बदतमीजी मत किया करो, बड़ों का के जबान नहीं चलाया करो, शौहर गलत भी हो तब भी उसकी इताअत करो, ज़बान बंद रखो, है ना? हम औरतों को बचपन से सब्र ही तो करना सिखाया गया है, जो खुद सीखा वो तुम्हें भी सिखा दिया। किन तुम्हें देखकर बात खुशी हो रही है, मेरी तरह नहीं हो, डरपोक और स्टिल। अम्मा आप ठीक तो है ना? तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ जान, कि अल्लाह मेरी बच्ची को सारी खुशियाँ, सारी कामयाबियाँ, हर तरह की जो तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहो, अल्लाह तुम्हें वो जिंदगी अदा कर। बहुत दुआ करती हूँ बढ़िया, आज तरह नहीं कि अपने लिए कभी कुछ करी ना सक। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह तुम्हें मजबूत, कामयाब,
खुश नसीब तमाम खुशियां तक मिली जा। इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता मैंने पर पनी बनाई अपने अब्बा जैसी। आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? अपने अब्बू की साइड ले रही है, ये बात जानते हुए भी कि वो गलत है। वो और कर भी क्या सकती है फाखिर, वो उसके बाबा हैं। मैं पूछने लगता हूँ उसका। फाखिर मुझे ऐसा लगता है तुम्हें एनी को ना इन सारे मसलों से दूर रखना चाहिए। कीप हर आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस यार प्लीज। तुम भी साइड ले लो, जाओ उसकी। मैंने ऐसा कब कहा है फाखिर? मैं तुम्हें बस कह रही हूँ कि उसको इन मसलों से दूर रखो, दैट्स इट। गलत कर रही है यार वो। मेरी फैमिली अगर गलत होती है तो मैं उनके खिलाफ स्टैंड नहीं लेता। मेरी बीवी है यार, अगर मेरा स्टैंड लेती मुझे अच्छा लगता। फाहिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारी बीवी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम भी तो यार आमना जिसके साथ मैं इस तरह की बात कर सकता हूँ। आई नीड टू गो, आई हैव सम वर्क टू डू, आई एम गोना टॉक टू यू लेटर, बाय। हेलो, जी अम्मा आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था। कितनी देर हो गई मैंने तुम्हें बुलाया हुआ है और तुम अब आई हो? मैं कुछ काम कर रही थी। अच्छा तो तुम्हारा काम मेरी बात से ज़्यादा ज़रूरी हो गया अब? अब तुम उस वक्त आओगी मेरे बुलाने पर जब तुम्हारी मर्ज़ी होगी? नहीं अम्मा, किचन समेट रही थी इसलिए देर हो गई। अच्छा खैर छोड़ो। जी मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो जमशेद को कारोबार में पैसे लगाने का मशवरा तुमने दिया था? नहीं अम्मा, मैंने हबीब से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी को मशवरा दिया है। मुझे तो खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम उससे, बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। तुम्हारा शौहर है एक और एक तुम्हारा भाई है और तुम्हें ये पता नहीं कि उनके दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है? कैसे हो सकता है ये सब? नहीं अम्मा मुझसे कसम ले लीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हबीब मुझसे कारोबार की कोई बात नहीं करते और ये आप जानती हैं। और रही बात जमशेद की, जब से उसने राहिला की बहन से शादी की है मैं उससे कोई बात नहीं करती। मुझे इस बारे में वाकई कुछ नहीं पता। तुम्हारी जैसे बेवकूफ़ औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। अरे तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है और तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं होती। कुछ तो अक्ल से काम लिया करो, अपने भाई और शौहर की खबर रखा करो। यानी कौन सी दुनिया में रहती हो? चलो अब जाओ यहाँ से। सुनो जी, अगर मुझे पता चला ये तुम्हारी चालाकी है तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई?